नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। बिहार की राजधानी पटना को स्मार्ट सिटी बनाने में नीतीश सरकार के तरफ से कोई कमी नहीं रहती है। आए दिन अलग अलग योजनाओं को बिहार सरकार द्वारा शुरू किया जाता है ताकि पटना को स्मार्ट सिटी बनाया जा सके, साथ ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी मिले। आपको बता दें कि अब पटना शहर और भी ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है। यहाँ ट्रैफिक की दिक्कत अब नहीं होने वाली है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब पटना पर तीसरी आंख की नज़र रहेगी। दरअसल स्मार्ट पटना प्रोजेक्ट के तहत पटना को स्मार्ट बनाने का कवायद लगातार जारी है। स्मार्ट पटना प्रोजेक्ट के तहत पटना में कुल 2600 हाई लेवल के कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिसमें से 600 कैमरे लगाए जा चुके हैं, वहीं बाकी को लगाने की तैयारी जारी है। इन कैमरे की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल एंड कमांड रूम भी बनाया जा चुका है, जहां से पुलिस के अधिकारी पटना के गतिविधियों पर नजर रखेंगे। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 211 करोड़ रुपए बताई गई है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का समय आगामी वर्ष 2023 के पहले महीने जनवरी तक तय किया गया है। इस स्मार्ट पटना प्रोजेक्ट के अंडर कमांड एंड कंट्रोल रूम के में एक बड़ा सा स्क्रीन लगाया जाएगा, साथ ही कई मॉनिटर लगाए जाएंगे, जिसकी मदद से अधिकारी पूरी पटना पर नजर रख सकेंगे। उन्हें इन कैमरों के लग जाने से काफी सुकून और राहत मिलेगा। महिलाओं के साथ हो रहे छेड़छाड़ की घटना से भी लोगों को काफी हद तक निजात मिलेगा। वहीं अन्य उपकरण की बात की जाए तो अभी तक स्मार्ट सिटी लिमिटेड यानी कि PSCL की ओर से 2588 ट्रैफिक लाइट, वहीं CCTV कैमरे व अन्य उपकरण लगाए जाने की तैयारी हो रही है। इसी के साथ अधिकारियों ने बताया है कि गांधी मैदान में 39 और अटल पथ पर 35 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही अटल पथ पर दो जगहों पर वजनों की तेज गति को पहचान करने वाला उपकरण पहले से लगाया जा चुका है। इस योजना के तहत ट्रैफिक लाइट और CCTV के अलावा वेरिएबल मैसेजिंग डिस्प्ले सिस्टम, रेड लाइट वॉयलेशन डिटेक्शन कैमरा और इमरजेंसी कॉल बॉक्स सहित साउंड सिस्टम भी लगाया जाना है। इन सभी को इंटीग्रेट कमांड कंट्रोल रो सेंटर से जोड़ दिया जाएगा। साथ ही नंबर प्लेट पहचान, लाल बत्ती उल्लंघन, बिना हेलमेट सवारी, ट्रिपल सवारी सहित ज़्यादा स्पीड वाले वाहनों को डिजिटल पहचान कर लिया जाएगा। वहीं उनका वाहन मालिक के पास तुरंत ई चलान भी चला जाएगा। इसी के साथ पटना के ट्रैफिक SP अनिल कुमार ने बताया है कि इस सिस्टम के शुरू हो जाने पर यातायात संचालन में काफ़ी सहूलियत भी होगी। उपकरणों की मदद से यातायात नियम तोड़ने वालों पर स्वचालित तरीके से कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं CCTV कैमरे की मदद से राजधानी की सड़कों पर लगने वाले जाम पर नज़र रखी जाएगी। ज़्यादा दबाव वाली सड़कों की पहचान के बाद जाम ना लगे, इसके लिए यातायात पुलिस द्वारा विशेष रणनीति भी तैयार की जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।